चलो गात चलो शिरडी चलो रे, मेरे साईं ने बुलाया चलो शिरडी चलो रे, मेरे बाबा ने बुलाया चलो शिरडी चलो रे। हमें साईं का संदेशा कुछ ऐसा मिला रे, हमें साईं का संदेशा कुछ ऐसा मिला रे, कल सपने में साईं का फूल खिला रे, कल सपने में साईं का फूल खिला रे, सपने में देखा मैंने शिरडी प्यारा रे, सपने में देखा मैंने शिरडी प्यारा रे, भक्त चलो शिरडी चलो साईं द्वारा रे। जो हो ही नहीं सकता साईं तू भी करे रे, जो हो ही नहीं सकता साईं तू भी करे रे, दीन दुखियों को गले लगाए रे, दीन दुखियों को गले लगाए रे, सपने में साईं सबको बुलाए रे, सपने में साईं सबको बुलाए रे। ये सपने तो ऐसे गुजर जाएंगे, ये सपने तो ऐसे गुजर जाएंगे, हम भक्तों को लेकर अब शिरडी आएंगे, हम भक्तों को लेकर अब शिरडी आएंगे, आरती बाबा की सब मिलके गाएंगे, आरती बाबा की सब मिलके गाएंगे, साईं ने बुलाया चलो शिरडी जाएंगे, भक्त चलो गाते चलो शिरडी चलो रे, अरे भक्त चलो गाते चलो शिरडी चलो रे, मेरे साईं ने बुलाया चलो शिरडी चलो रे। I'm not afraid.
अब हम यहाँ बात कर रहे हैं साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन पर शिरडी के निवासी रविंद्र कुमार कुमावत जी से। रविंद्र जी, आप हमें बताइए कि यहाँ पर जब लोग आएंगे शिरडी में, तो साईनगर शिरडी से आपको क्या लगता है, उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, या तो एक पहले साई भक्तों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि जो लोग पहले मनमाड़ या कुपर का उतरते वहाँ पे टैक्सी करके उन्हें शिरडी के लिए आना पड़ता था। अब उनका फायदा यह ना कि उनको मनमाड़ या कुपर का उतरने की जरूरत नहीं, वो सीधा शिरडी आ सकते हैं। और शिरडी में आने के बावजूद भी उनको टैक्सी करने की जरूरत नहीं, एक तो साई बाबा संस्थान या उनके आने जाने के लिए वो सब बस करने वाले हैं, जिससे वो सीधा साई बाबा संस्थान के साई भक्तिनिवास बिल्डिंग में उतरेंगे जहाँ द्वारावती वगैरह वहाँ पे उनको रूम मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो उन लोगों को विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप वर्कर, उनको आने के लिए जो दिक्कत होती थी उनके लिए भी अभी कोई तकलीफ होने वाली जैसी बात नहीं है। और दूसरी बात है, अभी दिन ब दिन रश बढ़ते जा रहा है और ट्रेन आने के बावजूद और रश बढ़ेगा, ये हमारे लिए खुशी की बात है शिरडी वालों के लिए।